नमस्कार गाइस, मेरा नाम निकलो। आज की इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी यूनिक और अट्रैक्टिव एप्लीकेशन जो कि आपके फ़ोन चलाने का नज़रिया ही बदल देगी। गाइस, देखने में ये काफ़ी यूनिक लुक देता है, लाइक एक तरीके से सैमसंग S8 सीरीज़ के कुछ ऑप्शन और फीचर्स हैं जो कि आपको ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रहा है। गाइस, इस तरीके के फीचर्स गाइस लाइक आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अगर आप कोई म्यूज़िक प्ले करते हो तो आपके जो बैकग्राउंड में है, जैसे आपको कोई भी म्यूज़िक डिटेक्ट करेगा, ये ऑटोमेटिकली जो साइड पर है वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लग जाएगा। गाइस, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। गाइस, मैं यहाँ पे एक म्यूज़िक प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये यूनिक सी एप्लीकेशन है। जैसे म्यूज़िक को पॉज करूँगा ये ऑफ हो जाएगी, और जैसे स्टार्ट करूँगा ये एप्लीकेशन यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। गाइस, काफ़ी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, यूनिक एप्लीकेशन है। आपकी जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी उसमें भी आपकी ये हेल्पफुल हो सकता है। गाइस, उसके लिए मैं अभी ये सॉन्ग को ऑफ कर देता हूँ। गाइस, इसे इनेबल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे ग्रो अप गाइस यूट्यूब चैनल को और घंटा आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बता रहा हूँ जो कि जिसके थ्रू आप इस ऑप्शन को अपने फ़ोन में भी इनेबल कर सकते हो। गाइस, एप्लीकेशन का नाम है एज मास्क म्यूजिक प्लेयर। गाइस, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्ले स्टोर से अभी आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल से डालना है एज मास्क। एज मास्क प्लेयर जैसे इतना टाइप करोगे, आपको सिंपल से सर्च कर देना है। जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके की है, आप इसका लोगो देख सकते हो, इसमें M टाइप का लोगो बना हुआ है। सिंपल से इसको रेटिंग्स के बारे में आपको बता देता हूँ। गाइस, इसकी रेटिंग्स है 4.2, इसको रेटिंग्स दी गई है। गाइस, ब्रांड न्यू एप्लीकेशन है, इसको यूज़ जरूर से कीजिए। गाइस, ये ऐसी यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल से S8 और S9 एज लाइटिंग की कुछ ऐसे फीचर है जिसको आप अपने फ़ोन में प्रोवाइड करके अलाउ कर सकते हो। गाइस, इसे यहाँ से सिंपल से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के लिए कुछ परमिशंस मांगेगा, उनको अलाउ कर दीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, मीडिया प्ले डिटेक्ट। गाइस, यहाँ पर ये एप्लीकेशन इस ऑप्शन से होता क्या, इस ऑप्शन का यूज़ क्या है। गाइस, इस ऑप्शन के थ्रू आप जो भी इसको इनेबल करने के बाद, अगर जब भी आप सॉन्ग को प्ले करोगे, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये सॉन्ग बैकग्राउंड में, जैसे ही आप प्ले करोगे जो साइड में जो लाइटिंग है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप पॉज करोगे जो लाइट है ऑफ हो जाएगी। गाइस, मैं जैसा ही प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, मैंने पॉज किया सॉन्ग तो लाइट ऑफ हो चुकी है, और सॉन्ग को स्टार्ट किया तो लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई है। गाइस, जैसा ही आप देख सकते हो, यहाँ से मैं अभी एप्लीकेशन को नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन है एज लाइटिंग ओवरले। गाइस, यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है। गाइस, ये ओवरले के ऊपर, लाइक आप यूज़ करते हो कोई भी एप्लीकेशन तो डायरेक्टली उसके ऊपर भी ओवरले के हिसाब से ये आपको शो कराएगा। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं तो ये केवल आपके होम स्क्रीन पर ही शो कराएगा। गाइस, तो नेक्स्ट ऑप्शन है राउंडेड कॉर्नर। गाइस, जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको इनेबल करने के लिए आपके जो कॉर्नर को आप राउंड में लाइट ब्लिंक कराना चाहते हैं, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। गाइस, जैसा कि देख सकते हो, आपका फ़ोन अगर सैमसंग सीरीज से तो यहाँ से तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, लाइक आपके फ़ोन में ही ये जो फीचर है अवेलेबल हो जाएगा। गाइस, यहाँ से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि आप कितना राउंड करना चाहते हो अपने फ़ोन को। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस यहाँ पर एज लाइटिंग का, गाइस एज लाइटिंग को यहाँ पर आपको सिंपल कलर, अगर आप एक सिंपल कलर में मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्टली आप गाइस यहाँ से एज लाइटिंग के हिसाब से आप देख सकते हो को जो साइड की जो स्टाइल है थोड़ा चेंज हो चुका है। गाइस, रोटेटिंग स्टाइल है जो चेंज हो गया है। गाइस, यहाँ से इसको रोटेटिंग स्टाइल को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है ये है टू कलर्स का। गाइस, यहाँ से आपको रैंडम को डिसेबल करते, जैसे आप इन दोनों कलर्स को चूज़ करो, लाइक आप कोई भी कलर को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, ये मैंने ग्रीन और ब्लू को चूज़ किया है जो कि एकदम अट्रैक्टिव लुक दे रहा है, यूनिक लुक दे रहा है। गाइस, ये म्यूज़िक प्ले होने पर ही स्टार्ट हो जाता है। गाइस, ये इसकी खासियत है, जो कोई भी आप अगर आप नोटिफिकेशन आती है उस पर भी इसको इनेबल कर सकते हो। गाइस, यहाँ से आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट।
ट्रांसपेरेंसी गैस, यहाँ से आप इसको जितना चाहे उतना ट्रांसपेरेंट कर सकते हो गैस। यहाँ से आपको मैं प्रोवाइड करूँगा तो आप इसको जीरो पर ही रखें तो ही बेटर है। नेक्स्ट ऑप्शन है ये नॉच, ये नॉच गैस, ये नॉच से आपका जो भी आपने देखा होगा कि आपकी जो फ़ोन में नॉच स्क्रीन आती है उसमें लाइक ये गैस यहाँ से इस जगह से थोड़ा कटिंग से आएगा गैस। यहाँ से आप जैसे ही नॉच स्क्रीन को इनेबल करते हो यहाँ से आप अपने हिसाब से नॉच स्क्रीन को बढ़ा या घटा सकते हो गैस। उसके थ्रू आपकी जो भी फ़ोन की यूसेज है उसी तरीके से आप अपने नॉच स्क्रीन के हिसाब से अपनी स्लाइड को अट्रैक्टिव लुक के हिसाब से सेट कर सकते हो गैस। इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप सॉन्ग को ऑफ़ करोगे तो ये एप्लीकेशन का यूज़ जो है बंद हो जाएगा, जैसे ही स्टार्ट करोगे जो है ऑटोमेटिकली ये लाइट सारी ब्लिंक करने लग जाएगी गैस। देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है। देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से नॉच को ऑफ़ कर देता हूँ गैस। मेरा फ़ोन बट नॉच नहीं है लेकिन देखने में काफ़ी डांस लगता है गैस। जैसा कि देख सकते हो फ़ोन देखिए कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है गैस, एकदम अट्रैक्टिव लुक दे रहा है, देखने में भी यूनिक है गैस। आपके फ्रेंड 100% आपसे पूछेंगे भाई ये फीचर आपको कहाँ से मिला। तो गैस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हमें बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, बाय बाय गैस। सो गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे ग्रो अप गाइस यूट्यूब चैनल को और घंटा आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके।